वक्त इंडिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं शुभम बोगल। जिस तरह से कल आपने देखा कि पीएचई डेली वेजर जिस तरह से लगातार अपनी स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और उनकी जो भी डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं की जा रही है और उनकी स्ट्राइक पर बैठने से लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वो आज हम आपको बताएंगे। आज यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे पीएचई वर्कर से और पीएचई डिपार्टमेंट से को से उनके पास काफ़ी बार गए हैं पर उनकी जो डिमांड की जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं की जा रही हैं। आइए जानते हैं इनसे कि कितनी मुश्किलों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। जी सर, क्या नाम है आपका? सर मैं सुशील दत्त शशि, कंटोनमेंट वार्ड नंबर 5 से। कहाँ से आए हैं सर आप? सर मैं कंटोनमेंट वार्ड नंबर 5 से आया हूँ। जी सर, कितनी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा है जब से डेली वेजर पीएचई अपनी स्ट्राइक पे गए हुए हैं? सर ये जो डेली वेजरों का मसला है उनकी वजह से काफ़ी ट्यूबलों पे प्रॉब्लम तो हो रही है, मगर डिपार्टमेंट के पास सरकारी मुलाजमों की कमी नहीं है। बहुत सरकारी मुलाजम है पीएचई डिपार्टमेंट में, मगर डिपार्टमेंट की इतनी धांधली है। हमने बहुत बार पीएचई सिविल गांधीनगर एक्सियन साहब से मिले हैं, मगर उन्होंने हर बार हमें झूठा आश्वासन ही दिया कि आपके वहाँ पे हम एक परमानेंट मुलाजिम रखेंगे जो कि आपको लोगों को पूरा पानी जो है 7-8 साल से हमारे कंटोनमेंट वार्ड नंबर 5 में पीएचई का ट्यूबवेल लगा हुआ है, मगर एक साल से बहुत प्रॉब्लम है। उन्होंने वहाँ पे एक लोकल आदमी को रखा हुआ है, मगर वो अपनी मन मर्जी से पानी कभी उसकी मर्जी आए तो खोलेगा वरना बंद ही रहता है। जब भी आप उनके पास जाते हैं तो क्या कहते हैं वो, क्या आश्वासन दिया जाता है उनकी तरफ से आपको? सर आश्वासन हर वक्त वो झूठा ही आश्वासन देते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन जो ऊपर बैठी हुई है, गवर्नर साहब के एडवाइज़र साहब और जो पीएचई के चीफ साहब हैं उनको भी ये हम ये कहना चाहते हैं कि नीचे स्टाफ को कम से कम देखे तो सही, पब्लिक को क्यों परेशानी आ रही है? आज हमारे लोग सड़कों पे क्यों उतर रहे हैं? हमारे लोगों की मजबूरी समझनी चाहिए। हम बहुत बार जाते हैं एक्सियन बोलता है कि मैंने जेई को फ़ोन कर दिया, कभी एक्सियन साहब की भी तो ये रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है आपका ट्यूबवेल है तो आप उसको जाके देखो तो सही। अगर उन्होंने मुलाजिम रखे बकायदा उसका चार्ट लगाया जाए कौन से मुलाजिम ड्यूटी पे आ रहे हैं। अगर वो ड्यूटी पे आ रहे हैं तो फिर लोगों को परेशानी क्यों करनी, परेशानी का सामना क्यों पड़ रहा है? कितना समय हो गया उनको अपनी स्ट्राइक पे गए हुए और आपको मुश्किलों का सामना करते हुए? सर स्ट्राइक पे तो उनकी काफ़ी देर से स्ट्राइक चल रही है, मगर हमें एक साल से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। पीछे सर्दी थी, एक टाइम पानी आता था तो वो चल जाता था, मगर अभी इतनी गर्मी है और डिपार्टमेंट के पास काफ़ी सरकारी मुलाजम अपना है, मगर जेई साहब बोलते हैं जी मैंने नीचे बोल दिया इंस्पेक्टर को। इंस्पेक्टर उस वक्त एरिया में आते हैं, एक विडो लेडीज है वो आज आ नहीं सकी, वो थोड़ी बीमार थी। विडो लेडी से उन्होंने 6,000 रुपया दो इंस्पेक्टरों ने लिया पानी की पाइप लगाने का, एक रसीद काटी उन्होंने 600 रुपये की, उनसे लिया है 3,000 रुपया। हमने ये भी बात बताई जेई को, मगर जेई फ़ोन पे ही हमें बोलते हैं कि हमने कार्रवाई कर दी है। अगर आपने कार्रवाई कर दी है तो फील्ड में आए हमें बताएं आपके कौन से मुलाजम ट्यूबवेल पे हैं और उनका बकायदा चार्ट लगाएं। ये आपको 4 मुलाजम दिए हैं, 2 दिए हैं कि ये लोग डिप्टी देंगे और लोगों को पानी से मुक्त किया जाएगा, लोगों की जो परेशानी है उससे वो लोग मुक्त होंगे। बिना पानी के सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है मगर पीने के लिए पानी नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से सोई हुई है। एक्सियन साहब तो बात करते हैं ऐसे कि भाई मैंने बोल दिया जेई को, और जनाब आप सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्वेंट, हमारे लोगों के लिए आप डिपार्टमेंटों में बैठे हुए हैं, तो आपका जो स्टाफ है वो खाली चंदा इकट्ठा करने के लिए है, क्या कार्रवाई नहीं करनी है? हमने पहले भी बहुत बार बोला है, तब एक बार मंत्री साहब भी आए थे 5-6 साल पहले, तब उन्होंने भी टूर किया, मगर डिपार्टमेंट के कानों से ये आवाज़ तक नहीं गूंजती। इतना डिपार्टमेंट उनकी आंखों पर पट्टी दे दी गई हुई है, वो इस एरिया में नहीं आ रहे। हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, पीएचई चीफ साहब और गवर्नर साहब के एडवाइज़र साहब से भी हम ये बेनती करते हैं कि कम से कम इन डिपार्टमेंटों को थोड़ा सा खींचा जाए और ये जो मुलाजम है वो अपनी ड्यूटी पूरी करें। और जेई साहब को हमने बहुत बार बोला कि अगर आपके मुलाजम हैं तो आप आके रेट मारिए, यहाँ पे देखिए आपके मुलाजम कहाँ पे हैं, और जो भी आता है वो जो बाल खोलने वाली गरारी होती है वो अपने पीछे रखता है और चलता बनता है, मगर लोग कहाँ पे जाएंगे? लोग सब्र कर रहे हैं, ऊपर से बढ़ती गर्मी आ रही है और गर्मी का मौसम है, पानी की लोगों की जरूरत है। बिल्कुल, कौन वहाँ पे पानी वगैरह की सप्लाई दे रहा है, कौन व्यक्ति है वो? सर ये जो पानी की सप्लाई दे रहा है ये तो डिपार्टमेंट को भी नहीं पता कौन आदमी वहाँ पे है। रात को जब हमारी एक्शन साहब से बात हुई वो बोलते मैंने जेई साहब को फ़ोन कर दिया, जेई साहब बोलते मैं पता कराता हूँ कौन है वहाँ पे जो पानी खोलता है। यार उनको ये नहीं पता कि हमारे मुलाजिम कौन है जो पानी खोलने वाले हमने रखे हुए हैं? डिपार्टमेंट को अगर नहीं पता तो लोगों को क्या पता होगा कौन पानी खोल रहा है?
बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने देखा कि लगातार पीएचई जितने भी डेली वेजर हैं वो पहले पीएचई डिपार्टमेंट से खफा थे, उनकी जो भी डिमांड थी वो पूरी नहीं की जा रही थी। अभी आप देख सकते हैं कि लोग भी सड़कों पे उतर आए हैं और जो भी इनकी डिमांड्स आए कि पीएचई डेली वेजर जब से अपनी स्ट्राइक पे गए हुए हैं और उसी दिन से ही इनके जो भी वहाँ पे पानी की जो सप्लाई है वो ठीक पूरी तरह से वहाँ पे नहीं आ रही है और लोगों को काफ़ी मुश्किलों का लगातार सामना करना पड़ा है। जिस तरह से बात करें तो पहले तो सर्दी थी, सर्दी में जब एक टाइम पानी आ जाता था तो लोग तो अपना जो भी काम था वो पानी से पूरा कर लेते थे, पर अभी गर्मी का मौसम है, पानी की काफ़ी ज़रूरत रहती है, पर पानी पीएचई विभाग कहीं ना कहीं असफल रह रहा है लोगों में पानी पहुँचाने में। तो जहाँ पर जिस तरह से आपने देखा कि लोग आज भी यहाँ पर आए हुए थे और आज भी इनकी तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, तो पीएचई विभाग को भी अभी गर्मी के दिन हैं और गर्मी में पानी की कितनी ज़रूरत रहती है वो तो पीएचई विभाग अच्छे तरीके से जानता है। तो आप ऐसे ही वक्त इंडिया के साथ जुड़े रहें और देखते रहें वक्त इंडिया।